डिस्क्लेमर, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी सुपर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी सुपर एएमए 100। यह स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है दोस्तों। यह स्ट्रेटजी काम करती है 15 मिनट के चार्ट पे और निफ्टी 50 के फ्यूचर पे। इस स्ट्रेटजी के अंदर हमने दो इंडिकेटर्स का यूज किया है। पहला इंडिकेटर हमारा सुपर ट्रेंड है और दूसरा इंडिकेटर हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ईएमए है। सुपर ट्रेंड के अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन करके सेटिंग्स निकाली है। यह सेटिंग है एटीआर लेंथ 9 की और फैक्टर हमने रखा है 2.5 का। अब ईएमए के अंदर देख लेते हैं, जो ईएमए की हमारी लेंथ है वह हमारी 100 की है। तो ये हुई दोस्तों इंडिकेटर की सेटिंग की बात। अब आई आती है इसके अंदर जनरेट होने वाले सिग्नल्स की, किसके अंदर हमें सिग्नल्स कहां पे मिलेंगे बाइंग और सेलिंग के। तो बाइंग के लिए हमें वेट करना होगा जब हमारा प्राइस ईएमए 100 के ऊपर लाइक करना शुरू कर देता है और जो सुपर ट्रेंड है वह भी ग्रीन जोन में आ जाता है तो हमें बाइंग सिग्नल मिलता है। तो जैसे ही सुपर ट्रेंड हमारा रेड होता है हम बाइंग से एग्जिट कर देते हैं। यह हुई बाइंग की बात। अब बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग के लिए चेक करना होगा ईएमए 100 के नीचे अगर हमारा प्राइस स्टार्ट करता है स्टे करना, वहां पे हम सेलिंग का सिग्नल देखेंगे। जब हमारा सुपर ट्रेंड भी रेड सिग्नल दे देगा हम वहां पे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, मतलब वहां पे हम अपना फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। जब हम सेलिंग के अंदर होंगे वहां पे एग्जिट प्रोवाइड करवाया जाएगा सुपर ट्रेंड के ग्रीन सिग्नल द्वारा। जब सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन सिग्नल देगा हम सेलिंग से एग्जिट कर लेंगे। तो दोस्तों ये हुई हमारी सेटिंग्स और कंडीशंस की बात। अब बात करते हैं हमारे चार्ट की कि चार्ट पे ये ट्रेड समय कैसे मिलती हैं और कैसे उसके अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस होते हैं। अब जान लेते हैं निफ्टी के फ्यूचर के ऊपर हम ट्रेड कैसे बनाएंगे और कैसे उसमें से एग्जिट मिलेगा। निफ्टी का फ्यूचर हम लगा चुके हैं और 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने कुछ ड्राइंग की है जो आपको दिखाएगी कि इसके अंदर सिग्नल आपको कहां पे मिलेंगे ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये जो आपको सेल सिग्नल जनरेट हुआ है वह दोस्तों रेड कलर द्वारा दिखाया गया है। मैंने यहां पे आपको एरो से दिखाया है लेकिन यहां पे सिग्नल आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर मिलेगा रेड सिग्नल द्वारा, इस एरो द्वारा मिलेगा। जैसे ही ये एरो आपको दिखेगा आप उसके अंदर फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की एंट्री बना सकते हैं। जैसे ही शॉर्ट बनेगा आपको वहां पे फ्यूचर शॉर्ट कर देना है और वेट करना है एग्जिट सिग्नल का। एग्जिट सिग्नल दोस्तों यहां पे पर्पल कलर के आइकन द्वारा शो किया जाएगा। यह एरो आपको दिखा रहा है इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपको एग्जिट मिल गया है, यहां पे आप एग्जिट कर लीजिए। यहां पे आपको 59.7 का जो आपको लॉस हुआ है, इस ट्रेड के अंदर आप इतने पॉइंट से लॉस के अंदर है। तो दोस्तों यह ट्रेड हमें यहां पे लॉस पे कटी है। उसके बाद बारी आती है हमारे बाइंग सिग्नल की। हमें सेल का सिग्नल जैसे ही एग्जिट देता है उसके बाद हमें बाइंग की वेट करनी होती है। बाइंग के लिए हम वेट करेंगे सुपर ट्रेंड के ग्रीन सिग्नल का और साथ में देखेंगे कि इसने जैसे ही ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है, यह हमारी ईएमए की लाइन है। आप देखिए यह हमारा, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको यहां पे क्लियरली यह विजिबल हो सके, और मैंने इसको मोटा कर दिया है। सेटिंग्स को मैं डिफॉल्ट सेट कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों यहां पे आपको ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलती है आपको बाइंग मिल जाती है। यह आपका बाइंग का सिग्नल जनरेट होगा ब्लू कलर के एरो द्वारा। ब्लू कलर के एरो द्वारा जैसे ही बाइंग मिलती है आप यहां पे फ्यूचर बाई कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर आपने एंट्री ली और यहां पे आपका पर्पल कलर द्वारा एग्जिट मिल चुका है। तो यहां भी आपको प्राइस रेंज लगा के दिखा देता हूं कि आपको कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ है। यहां पे भी आपको 84 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। हालांकि इस दोनों के अंदर आपके स्टॉप लॉस हो चुके हैं लेकिन आपके लॉसेस देखिए
कितने छोटे हैं। 84 पॉइंट्स का इसमें लॉस हुआ है, 59 पॉइंट का यहां पे लॉस हुआ है। आपको पता लग चुका है यहां पे बाइंग और सेलिंग सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं। इसके बाद बारी आती है इस स्ट्रेटजी की, टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग के लिए मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूं जो आपको इसके अंदर करनी है। प्रॉपर्टीज के अंदर आप जाएंगे, ऑर्डर साइज यहां पे आपको 1 रखना है, क्योंकि हम सिंगल फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो यहां पे आपको 1 रखना है। इसके साथ आप कमीशन के अंदर 0.035 सेट कर दीजिए, ताकि इसके अंदर आपकी जो ब्रोकरेज है ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। यह हमारी ब्रोकरेज है दोस्तों। स्टाइल के अंदर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आपको इन लाइन को पतला मोटा करना है तो यहां से आप कर लीजिए। इनपुट भी आपको दिखा देता हूं। एटीआर लेंथ हमने 9 रखी थी, फैक्टर लेंथ 2.5 है और ए में आपकी 100 है। तो दोस्तों सेटिंग्स यहां पे हमारी सेट हो चुकी हैं। अब आपको सीधा स्ट्रेटजी टेस्टर में लेके चलता हूं। स्ट्रेटजी टेस्टर में जैसे ही हम आते हैं, आपको नेट प्रॉफिट दिखाई दे जाता है। 123,144 रुपए का हमारा जो नेट प्रॉफिट है, इसके अंदर हमारा जो परसेंटेज प्रॉफिटेबल है वह आपका 38.24 है। इसके अंदर आप फ्यूचर में काम करते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट होता है जो आपका ब्रोकरेज के बाद में मिलता है। मतलब इसके अंदर आपकी ब्रोकरेज भी निकल चुकी है। मतलब इसके अंदर आप लिस्ट ऑफ ट्रेड्स के अंदर देखेंगे तो आपका 137 ट्रेड्स मिले हैं। तो 137 ट्रेड्स के अंदर आपको जो ब्रोकरेज को निकाल के जो प्रॉफिट मिला है वह आपका यहां पे शो किया गया है। ये टारगेट, ये प्रॉफिट आपको मिला है 9 महीने के अंदर। मतलब दोस्तों अगर हम 15 मिनट पे काम करते हैं तो बैक टेस्टिंग यह दिखाएगा पिछले 9 महीने के डाटा की, जो आपको यहां पे शो हो रही है। और यहां पे आपको जितनी भी हमें ट्रेड मिली है उन सबका रिकॉर्ड यहां पे रहता है। लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर आप देख सकते हैं हमारी कौन कौन सी ट्रेड ने प्रॉफिट दिया है और कहां कहां हमें स्टॉप लॉस हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ट्रेड हमें यहां मिला है 8 मार्च 2023 को और एग्जिट मिला है 9 मार्च 2023 को। तो पहली ट्रेड के अंदर हमें 4100 रुपए का लॉस हुआ है। दूसरी ट्रेड हमें 9 मार्च को मिली थी और 13 मार्च को एग्जिट मिला था, 5600 का उसके अंदर प्रॉफिट आया है। उसके बाद हमें प्रॉफिट इसके अंदर इस कॉलम के अंदर शो किया जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस हमारे किस टाइप के हैं। तो अब यहां पे देख रहे हैं हमारे जो लॉसेस हैं वह हमेशा प्रॉफिट से छोटे हैं। और यहां पे देखिए 28,808 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है सिर्फ एक ही ट्रेड के अंदर। यह ट्रेड मिलती है आपको 29 मार्च को और एग्जिट होता है 6 अप्रैल को। तो दोस्तों यहां पे आपको 5 या 6 दिनों के अंदर 28,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है अगर आप फ्यूचर पे काम करते हैं। यहां पे हमारे आप स्टॉप लॉस और टारगेट देख सकते हैं। तो मैं आपको सीधा 8 मार्च पे लेके चलता हूं, जहां से हमें स्ट्रेटजी ने बाइंग या सेलिंग देना शुरू किया था। मतलब जहां से हमने ये स्ट्रेटजी शुरू की थी, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे सबसे पहले ट्रेड पे, जहां से हमें इस स्ट्रेटजी की शुरुआत हुई थी 8 मार्च से। 8 मार्च को हमें पहला सिग्नल मिलता है, उसके अंदर हमें बाइंग जनरेट होती है। हमें यहां पे बाइंग मिली थी जो कि हमारी फ्यूचर के साथ बाइंग बनती है। यहां पे मैं आपको प्राइस रेंज शो कर देता हूं। इसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस हुआ है 69.3 का है। मतलब इसके अंदर हमें 69 पॉइंट का लॉस हुआ है। उसके बाद हमें एक सेलिंग मिली है जो हमें यहां पे मिली है। यहां पे मैं आपको पॉइंट्स के अंदर आपका टारगेट दिखा देता हूं। यहां पे हमें 125 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमें सेलिंग की ट्रेड मिली थी तो हमें यहां पे 125 पॉइंट मिल चुके हैं। अब यहां पे एक और सेल का ट्रेड मिला है। यहां पे देखिए इस कैंडल पे हमें सेल मिला था। हमने अगर यहां पे फ्यूचर शॉर्ट किया होता तो हमें 161 पॉइंट मिले हैं। अगर आप इसके अंदर देखेंगे, हमारी यह तीसरी ट्रेड है और स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर आपको लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर इनका प्रॉफिट या इनका लॉस आपको दिख जाएगा। पहली ट्रेड के अंदर हमें लॉस हुआ था 4100 रुपए का, दूसरी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ है 5600 रुपए का, और तीसरी जो ट्रेड हमने अभी देखी है उसके अंदर आपको 7396 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसके अंदर
हमारे जो स्टॉप लॉस हैं वह काफी छोटे हैं हमारे टारगेट के मुकाबले। यह भी हमें सेल की ट्रेड मिली है, ये हमें बाइंग मिला था, लेकिन यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। हम इसके अंदर आपको एक बड़ी ट्रेड दिखा देते हैं जिसके अंदर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। हमें इसके अंदर कुछ इस टाइप की ट्रेड भी देखने को मिलेंगी। आप देखिए, ये ट्रेड हमें मिलती है यहां पे और हमें यहां पे फ्यूचर बाइंग करना था और यहां पे हमें 590 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, मतलब इसके अंदर हमने 590 पॉइंट गेन किए हैं और यह ट्रेड हमें मिलती है 29 मार्च को। मैं आपको स्ट्रेटेजी टेस्टर के अंदर दिखा देता हूं कि 29 मार्च को हमने इस ट्रेड के अंदर कितना प्रॉफिट बनाया था। 29 मार्च को, ये देखिए, 29 मार्च को हमारा 50 नंबर ट्रेड है। 29 मार्च को इसमें एंट्री मिली थी और 6 अप्रैल को इसके अंदर एग्जिट मिला है। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारे 28,800 रुपए हमें इसके अंदर मिले हैं। इतना बड़ा प्रॉफिट दोस्तों एक ही ट्रेड के अंदर इसमें मिल चुका है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये वाली ट्रेड, यहां पे हमें एंट्री मिलती है यहां पे और एग्जिट होता है यहां पे। आप देखिए, यह ट्रेड हमें 26 अप्रैल को मिलती है और 3 मई को यह एग्जिट दे देती है और 345 रुपए का इसमें प्रॉफिट हुआ है। यहां भी हमें ट्रेड मिली है और यहां पे इसका एग्जिट हुआ है। यहां पे आप देखिए कितना बड़ा ट्रेड आपको मिला है। हालांकि इसके अंदर स्टॉप लॉस भी आपको मिले हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के मुकाबले आप टारगेट को देखिए कि टारगेट आपको कितना बड़ा मिल जाता है, क्योंकि हमने इस स्ट्रेटजी के अंदर सुपर ट्रेंड का यूज किया है। सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी खासियत यह होती है कि हमें ट्रेड वहां पे मिलती है जहां पे हमें कंफर्म होता है कि यहां से मार्केट अब एक वन साइडेड रहने वाली है। सुपर ट्रेंड उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है जहां पे हमें कंसोलिडेशन होने की संभावना होती है। इसके अंदर हमें छोटे से लॉस के साथ यह एग्जिट दे देता है या फिर इसके अंदर ट्रेड मिलती ही नहीं। अब हमें ये वाली ट्रेड देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी और कितनी शानदार ट्रेड यहां पे मिली है। यहां से हमें बाइंग मिला था फ्यूचर के अंदर और यहां पे हमें इसमें एग्जिट मिला है 335 पॉइंट दोस्तों। इसके अंदर यहां पे इस ट्रेड के अंदर हमें कैप्चर करवाए हैं स्ट्रेटजी ने। अगर आप इसको फ्यूचर के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट आपका 15,000 से ऊपर का प्रॉफिट है। यहां भी हमें एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला है। ये वाली ट्रेड देखिए दोस्तों, हमें इसके अंदर एंट्री कहां मिली है और एग्जिट कहां मिला है। यहां पे हमें फ्यूचर के अंदर बाइंग मिलती है और एग्जिट मिला है दोस्तों हमें इस पॉइंट पे, यहां पे हमें एग्जिट मिल जाता है। 661 पॉइंट एक ही ट्रेड के अंदर हमें मिल चुके हैं। यह ट्रेड मिली थी हमें यहां पे, यह हमें 27 जून को मिली थी। मैं आपको स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर दिखा देता हूं कि 27 जून को जो ट्रेड मिली थी उसके अंदर हमें प्रॉफिट कितना मिला है। 27 जून को दोस्तों हमें यह ट्रेड मिली थी यहां पे, 18,759 पे हमें ट्रेड मिलती है और 19,421 पे ये 5 जुलाई को एग्जिट करवा देती है। तो 32,391 रुपए हमें एक ट्रेड के अंदर मिल चुके हैं। तो दोस्तों, है ना स्ट्रेटजी कितनी प्रॉफिटेबल। इसके अंदर आपको जो स्टॉप लॉस होते हैं वह बहुत ही छोटे हैं। हमारे जो टारगेट हैं, हमें बहुत बड़े बड़े टारगेट इसके अंदर देखने को मिले हैं। हालांकि इसके अंदर जो स्टॉप लॉस हुआ है वह शायद इतना बड़ा नहीं है। कोई भी स्टॉप लॉस आपको 5 या 6 हजार का होगा, मैक्सिमम इतना ही बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है, वो भी रेयर कंडीशन के अंदर। इसके अंदर आपको 179 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, यह स्ट्रेटजी बहुत बड़े बड़े टारगेट देती है अपने स्टॉप लॉस की तुलना में। स्टॉप लॉस के सामने टारगेट बहुत बड़े हैं। यह भी हमें बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला है।
यहां भी आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिला है। यहां आपको यहां पे ट्रेड मिलती है और एग्जिट होता है यहां पे। इसको प्राइस रेंज से ड्रॉ कर देता हूं। यहां भी आपको 130 पॉइंट का टारगेट मिला है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस दोस्तों इसके अंदर छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं। यहां पे अगर बाइंग मिलती है तो यहां पे इसने एग्जिट दे दिया है। छोटे मोटे स्टॉप लॉस के अंदर आपको लॉस भी छोटा मोटा ही होगा, लेकिन जब आपकी बारी आएगी प्रॉफिट बुकिंग की तो प्रॉफिट आपको बहुत बड़ा यह स्ट्रेटजी प्रोवाइड करवाएगी। यहां पे हमें बाइंग मिलती है और एग्जिट मिलता है। यहां पे 200 पॉइंट का टारगेट इसके अंदर मिल चुका है। 200 पॉइंट का मतलब दोस्तों इसके अंदर फ्यूचर के अंदर 10,000 रुपए का होता है। अगर इसको 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 को 50 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 10,000 रुपए बनते हैं। एक ही ट्रेड के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट अगर कोई स्ट्रेटजी बना के दे रही है तो वह एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको यह टारगेट भी बहुत अच्छा मिल चुका है। 363 पॉइंट का टारगेट है जो करीब 15,000 से ऊपर का टारगेट है। इसके अंदर आपको 15,000 से ऊपर आपको प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। यहां पे आपको सेल मिला है और यहां पे आपको एग्जिट मिला है। इसके अंदर भी करीब करीब आपको 300 पॉइंट मिल चुके हैं। यहां पे देखिए पूरा मोमेंटम इसने कैप्चर किया है 140 पॉइंट का। जो निफ्टी के अंदर 140 पॉइंट बहुत होते हैं दोस्तों, जो कि गैप डाउन के अंदर आपको मिले हैं। इसके अंदर आप होल्ड भी कर सकते हैं, यह इसकी खास बात है। अगर आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू बाइंग बनाते हैं ऑप्शंस के अंदर तो दोस्तों यह स्ट्रेटजी इतनी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि यह स्ट्रेटजी एक फ्यूचर पे स्ट्रेटजी बनाई हुई है तो फ्यूचर में ही काम करेगी। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर सेल करके भी ऑप्शन के अंदर काम करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि या तो यह फ्यूचर में काम करेगी या यह ऑप्शन सेलिंग में काम करेगी। ऑप्शन बाइंग के अंदर यह प्रॉफिटेबल नहीं है। इसका रीजन दोस्तों ये है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर हमारे जो प्रीमियम है हमारी जेब से जाते हैं। जैसे ही टाइम डिके होता है वैसे वैसे हमारे ऑप्शन के प्राइस गिरना शुरू हो जाते हैं। जो भी हम बाइंग बनाते हैं उसके अंदर हमारे प्राइस धीरे धीरे टाइम के साथ साथ डिके होते रहते हैं। लेकिन अगर आप इनको देख के ऑप्शन सेलिंग करते हैं, अगर मानिए यहां पे आपको बाइंग की ट्रेड मिली है तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे अपना 19,600 का पुट सेल कर देना है। तो यहां पे आप बिल्कुल उल्टा कीजिए। जैसे यहां पे आपको बाइंग मिली है यहां पे आप अपना 19,600 का पुट सेल कर सकते हैं। अगर आपने यहां पे पुट सेल की है तो आपको यह मोमेंटम कैप्चर करने में आसानी होगी, क्योंकि यहां पे एडवांटेज मिलेगा आपको ऑप्शन सेलिंग का। ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपका जो प्रीमियम है वह आपके अकाउंट में आता है। ऑप्शन सेलर इसलिए पैसा कमाते हैं क्योंकि वह जो प्रीमियम डिके का एडवांटेज लेते हैं। अगर आपको ऑप्शंस का फायदा उठाना है तो आप सेलर बनिए, सेलिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंदर ऑप्शन सेलिंग करके भी पैसा कमाया जा सकता है। यहां पे देखिए इतना बड़ा मूव आया है और यह हमारी स्ट्रेटजी ने बखूबी कैप्चर किया है। यहां पे हम सेल करते फ्यूचर को या फिर इसके अंदर ऑप्शन को आप सेल कर सकते हैं। फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं और ऑप्शन को यहां पे सेल किया जा सकता था। आपका जो मूव आया है 510 पॉइंट्स का है, इसके अंदर फ्यूचर पे काम करते तो आपको करीब करीब 25,000 रुपए यहां पे इस ट्रेड ने दिए हैं। अगर इसके अंदर आप ऑप्शन सेलिंग में काम करते तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर आप काम कर सकते थे तो आपको इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अगर आप इसके अंदर काम करते ऑप्शन बाइंग के अंदर, आपने यहां पे पुट के अंदर एंट्री ली होती, तब आपको इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल पाता। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया यह स्ट्रेटजी फ्यूचर पे काम करती है तो इसके अंदर आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट भी करीब ऑप्शन से ज्यादा होती है। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगी आपको 1.5 लाख रुपए की। इसके अंदर आपको एक फ्यूचर के अंदर जितना पैसा लगता है उसके अलावा 30 से 40 हजार रुपए ज्यादा रखने होते हैं अपने अकाउंट में, ताकि इन कंडीशंस
जब हमारा स्टॉप लॉस होता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड ले सकें अपने लॉस को निकाल के। अगर हमारा 5,000-7,000 रुपए का लॉस हो जाता है तब हम नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री ले सकें। उसके लिए हमारा मार्जिन करीब करीब इसके अंदर 1,50,000 का मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का फ्यूचर बन जाता है हमारा 1,20,000 रुपए में। उसके अलावा हमें 30,000 से 40,000 रुपए अपने पास अकाउंट के अंदर रखने चाहिए ताकि वह हमारे जो मार्जिन की तरह यूज हो सके। अगर आपके पास 1,50,000 रुपए है तो यह स्ट्रेटजी आपके लिए है और आप इसके अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। और 1,50,000 के अंदर आप ऑप्शन सेलिंग पे भी काम कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग पे काम करने के लिए अगर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको पंप करनी है, अगर आपके पास 1,50,000 का मार्जिन नहीं है, उस कंडीशन के अंदर आप ऑप्शन बाई और सेल दोनों करके आप अपना पोजीशन हेज कर सकते हैं। हेजिंग का मतलब दोस्तों ये है कि इसके अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की वह कम हो जाती है। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां भी हमें एक अच्छी ट्रेड मिल चुकी है, 176 पॉइंट आपने यहां पे गेन किए हैं। यहां भी एक अच्छी ट्रेड हमें मिली है, यहां आपको 717.90 पॉइंट्स मिले हैं। इसके अंदर अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर 30 नवंबर 2023 को हमें ट्रेड मिली थी, उसके अंदर प्रॉफिट कितना हुआ था। ये देखिए दोस्तों, हमें ट्रेड मिली थी 30 नवंबर को, 20,114 पे इसने एंट्री दी थी बाइंग के अंदर और 20,833 पे इसने एग्जिट दिया है। आप प्रॉफिट देखिए दोस्तों, 35,228 रुपए का। और इसके मुकाबले आप स्टॉप लॉसेस देखिए कितने छोटे छोटे हैं, 3,000, 2,000, 6,000, 5,700। तो दोस्तों हमारे प्रॉफिट हैं स्टॉप लॉसेस की तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। यहां देखिए, यहां बाइंग मिली है, यहां पे एग्जिट आया है, यहां बाइंग मिली है, यहां एग्जिट मिल चुका है। तो अब तक मैंने जितनी भी ट्रेड इसके अंदर बनी थी मैंने आपको सबकी स्टडी करवा दी है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा यह आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इसके अंदर आप अगर काम करना चाहते हैं तो आप पेशेंस के साथ और अपने जो स्टॉप लॉस है उसके साथ काम कीजिए। मतलब जैसे इसमें एंट्री मिलती है आप बाइंग बनाइए या सेलिंग बनाइए, और जैसे एग्जिट आता है आप उस ट्रेड से एग्जिट कर जाइए, तभी यह स्ट्रेटजी प्रॉफिट देगी। क्योंकि अगर आप इसके अंदर कोई ट्रेड मिस कर देते हैं तो आपको उस तरीके का प्रॉफिट नहीं होगा जो यहाँ पे स्ट्रेटजी टेस्टर में दिखाया हुआ है। तो दोस्तों हमारी बैक टेस्टिंग सुपर ईएमए 100 की कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपके पास कोई क्वेरी है या फिर आप कोई हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर हमें आप मेल कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है, आप इसके ऊपर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है जिसकी आप एल्गो बनवाना चाहते हैं या फिर आप उसका बैक टेस्टिंग करवाना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए इस आईडी पे ताकि हम आपका रिप्लाई कर सकें। हम उसके अंदर आपकी पूरी कोशिश करेंगे उसके अंदर आपकी बैक टेस्टिंग करवाने की। तो दोस्तों अब हमें इजाजत दीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।